वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिल वक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाज़िर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख जरीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू जरीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। जरीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज का ये बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। यस, आज हम जानवरों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने वाले हैं, एनिमल्स के बारे में। है ना इंटरेस्टिंग? एनिमल्स तो हर किसी को बहुत पसंद होते हैं, आपको भी बहुत पसंद होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपकी किताब का चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6 है आपकी किताब का, और वो है हैवानात की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए। मजमून है हमारा साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपकी किताब साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं आज, हैवानात की जमातबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते। जानदारों की जमातबंदी करने के लिए कौन कौन से सुलूक इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके सबक की शुरुआत होती है इस सवाल के साथ। किताब में सबक के शुरू में सवाल दिया हुआ है कि जानदारों की जमातबंदी करने के लिए हम कौन कौन से सुलूक इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से सुलूक इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़रा अपने दिमाग पर जोर दीजिए। ये आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। 2011 की मरदमशुमारी जो हुई थी, शुमारी जो हुई थी, उसके मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए उनकी तकसीम और उनकी ग्रोह बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। चूँकि इतनी बड़ी तादाद में ये तमाम जानवर मौजूद हैं, इसलिए जब अगर हमें उनके बारे में मालूमात हासिल करना है तो उन्हें प्रॉपर डिवाइड करना और उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर उनके ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए जाते हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के ही इस अमल को हयाती जमातबंदी कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जानदार इसमें नबातात और हैवानात दोनों शामिल हो गए। अब जानदार में नबातात और हैवानात दोनों शामिल है, तो उनमें जो मुशाबहत है यानी जो उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं तो उनको एक साथ रखा जाता है, जो उनमें फ़र्क है यानी कुछ डाइवर्सिटीज़ भी पाई जाती है तो उनमें जो फ़र्क डिफरेंसेस होते हैं उनके बिना पर फिर उन्हें अलग अलग ग्रो उनके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्लो ग्रो और ज़ेली ग्रो बनाए जाते हैं, इसी को हयाती जमातबंदी कहते हैं। और इसमें सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर उसके बाद होता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और उसके बाद होता है स्पेसीज। तो ये क्या है, आज इस सबक में हम देखेंगे। इससे पहले आप लोग जो है पिछली जमात में जानदारों की जमातबंदी किस तरह से की जाती है ये आप पिछली जमात में देख चुके हैं। गैर वाज़ह मरकज़ा बरदार और वाज़ह मरकज़ा बरदार, इस तरह से दो किस्मों में जानदारों को तकसीम किया जाता है। गैर वाज़ह मरकज़ा बरदार में यकुलवी जानदार, जिसमें है आलम नैरा, वाज़ह मरकज़ा बरदार में यकुलवी और कसीर खुलवी दोनों हैं। यकुलवी में शुमार होता है आलम 2 प्रोटेस्टा का, और कसी खुलवी जानदार यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शुमार होता है आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात। फपून शुआई तरकीब अंजाम ना देने वाले,
نباتات شعاع ترکیب انجام دینے والے اور حیوانات کھلوی دیوار نہ رکھنے والے. کھلوی دیوار صرف اور صرف نباتات میں ہوتی ہے، حیوانات میں کھلوی دیوار موجود نہیں ہوتی. گزشتہ جماعتوں میں آپ نے جانداروں کی جماعت بندی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی. ہمارے اطراف جاندار خصوصاً نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں. آپ نے ان کی جماعت بندی کے مختلف اصولوں کا بھی مطالعہ کیا ہے. اس معلومات پر مبنی ذیل کا خاکہ ہمیں مکمل کرنا ہے، یہ آپ کی کتاب میں دیا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی میں نے آپ کو بتائی نا، پورا خاکہ میں نے آپ کو بتائی، تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے اور وہ دیکھ کر آپ کو یہاں پر اسے کمپلیٹ کرنا ہے از خود، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا دیکھے، جاندار جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں واضح مرکزہ بردار اور ایک ہوتے ہیں غیر واضح مرکزہ بردار. واضح مرکزہ بردار میں پھر کثیر کھلوی جاندار ہے اور یک کھلوی جاندار ہے، اور اس میں عالم کون سے ہے، عالم منیرا ہے، عالم پروٹیسٹا ہے. تو یہ آپ کو دیکھ کر کمپلیٹ کرنا ہے، ابھی میں نے پچھلی سلائیڈ میں یہ آپ کو بتائی، تو وہ دیکھیے اور اپنے کتاب میں سے مکمل کیجیے. نباتات کی جماعت بندی کس طرح کی گئی ہے، یہ بھی آپ لاسٹ ایئر پڑھ چکے ہیں، پچھلے سال آپ نے پڑھے تھے جماعت نہم میں. اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو اس کا ویڈیو سٹینڈرڈ نائنتھ کی پلے لسٹ میں میرے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے پڑھے تھے کہ عالم نباتات کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے زہراوی اور ایک ہے غیر زہراوی. زہراوی نباتات کو مزید دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے کھل بیجا اور ایک ہے بند بیجا. کھل بیجا کو مزید دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یک دالا اور دو دالا، جبکہ غیر زہراوی نباتات کو تقسیم کیا گیا ہے تھیلوفائٹا، برائیوفائٹا اور ٹریڈوفائٹا میں. یہ ہم نے لاسٹ ایئر پڑھ چکے ہیں. گزشتہ سال آپ نے نباتات کی جماعت بندی کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کے ذریعے آپ کو نباتات میں تنوع سے آگاہی ہوئی. آپ کو پتہ چلا کہ ڈائیورسٹی صرف اینیملز میں نہیں بلکہ پلانٹس میں بھی کتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، کتنے الگ الگ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، اور ان کی جماعت بندی ہم نے پچھلے سال سیکھی تھی. آپ اپنے اطراف مختلف قسم کے حیوانات دیکھتے ہوں گے. کچھ جاندار بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض جاندار بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ زمین پر رہتے ہیں تو کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ حیوانات رینگتے ہیں تو کچھ حیوانات پانی میں تیرتے ہیں یا ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ حیوانات کی جلد پر سفنے ہوتے ہیں تو کچھ حیوانات کی جلد پر یا بال پائے جاتے ہیں. اس طرح کے حیوانات میں بھی بہت زیادہ تنوع دکھائی دیتا ہے. حال کی معلومات کے مطابق زمین پر اندازاً 7 ملین قسم کے حیوانات کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس میں سے ہر جماعت کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر حیوانات میں یکسانیت اور ان کے فرق پر منحصر گروہ اور ذیلی گروہ بنائے جائیں گے تو اس لاتعداد حیوانات کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے حیوانات کی جماعت بندی کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ ہم اپنے اطراف میں ہی دیکھ لیجیے نا، نباتات جو ہم نے دیکھے کتنی اقسام کے ہیں، تو ایسے ہی حیوانات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں. کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں کچھ پالتو ہے، کچھ جنگلی ہے، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ زیر زمین بھی پائے جاتے ہیں، کچھ درختوں پر رہتے ہیں، کچھ نباتات کی جو جڑیں ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، کچھ نباتات کے تنوں پر نشو نما پاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے حیوانات ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنے میں آسانی ہو، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو، اس لیے ان کی جماعت بندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب دیکھتے ہیں حیوانات کی جماعت بندی کے بارے میں. حیوانات کی خصوصیت کی یکسانیت اور فرق پر مبنی حیوانات کے گروہ اور ذیلی گروہ تیار کرنا حیوانات کی جماعت بندی یا ان کی کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے، اینیملز کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس چیپٹر میں اینیمل کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہی معلومات. حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، ہسٹری آف اینیمل کلاسیفیکیشن. مختلف ماہرین نے وقتاً فوقتاً حیوانات کی جماعت بندی کی کوشش کی ہے. یونانی فلسفی ارسطو نے سب سے پہلے حیوانات کی جماعت بندی کی تھی. انہوں نے جسمانی جسامت، عادت، مسکن جیسے موضوع پر مشتمل جماعت بندی کی تھی.
बाद अजा बाद में बहुत सारे साइंसदानों ने जो है इसके बारे में मालूमात हासिल की और मुख्तलिफ तरीके से उनकी जमात बंदी हुई, लेकिन सबसे पहला एकदम स्टार्ट जिसने किया था जमात बंदी के बारे में, जिसने मालूमात दी थी, वो अरस्तू थे। बाद ऐसा साइंस में तरक्की की बदौलत हवाले बदलते गए और उसके मुताबिक जमात बंदी के मौजू भी बदलते गए। अरस्तू के ज़रिए की गई जमात बंदी के तरीके को तरकीबी या मसनूई तरीका कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली जमात बंदी कंसिडर की जाती है। थेरोफ्रस्टिस प्लेनी जॉन रे लेनिस ने भी जमात बंदी के लिए तरकीबी तरीके का सहारा लिया। बाद के ज़माने में जमात बंदी के कुदरती तरीके का इस्तेमाल किया गया। जमात बंदी का कुदरती तरीका यानी जानदारों की जिस्मानी बनावट, उनकी खसूसियात, उनके खुलियात, क्रोमोसोम्स, हयाती कीमियाई खसूसियात जैसे मौजूद पर मुनासिर थी। कुछ ज़माने बाद इरतकाई उसूलों पर मुबनी जमात बंदी अमल में लाई गई। तो देखिए, जमात बंदी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ किसी एक साइंसदान की बताई हुई नहीं है, बल्कि वक्तन फोक्तन अलग अलग साइंसदानों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके जमात बंदी के बताए। जैसे अरस्तू का तरीका मसनूई तरीका था, फिर उसके बाद थेरोफ्रस्ट प्लेनी का तरीका तरकीबी तरीका था, उसके बाद कुदरती तरीके का इस्तेमाल किया गया, कुछ उसके बाद के ज़माने में इरतकाई उसूलों पर मुबनी जमात बंदी की गई, यानी अलग अलग तरीके जमात बंदी के इस्तेमाल किए गए। डॉबजेंस्की और मेयर ने इस तरीके की बुनियाद पर हैवानात की जमात बंदी की। उसके बाद उन कार्ल वोज़ ने भी हैवानात की जमात बंदी की। तो इन लोगों ने भी जो जमात बंदी के तरीके बताए वो भी काफ़ी मौसर थे। जमात बंदी के अब फ़ायदे क्या क्या हैं? जानदारों का मुताला करने में सहूलत होती है। किसी ग्रोह के चंद हैवानात का मुताला करे तब भी उस ग्रोह के तमाम हैवानात की मालूमात हो जाती है। हैवानात के इर्तका से मुतालिक आगाही होती है। देखिए, जानदारों का मुताला करने में सहूलत होती है तो हम समझ गए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 7 मिलियन अनवा के अलग अलग किस्म के जानवर मौजूद है तो हम हर एक के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर हमने एक पर्टिकुलर ग्रोह के बारे में मालूमात हासिल की, जैसे उड़ने वाले जानदार, हमने पता लगाया कि उड़ने वाले जानदारों की क्या खसूसियत होती है। हमें पता है कि उड़ने वाले जो जानदार होते हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती है ताकि उनका वजन कम रहे, उड़ने में आसानी हो। उड़ने वाले जो जानदार होते हैं उनके जिस्म पर पाए जाते हैं, है ना। तो वो ज़्यादातर उड़ने वाले जानदार जो है दरख्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये हमने चंद अगर हैवानात के बारे में भी मालूमात हासिल कर ली उड़ने वाले जानदार के ग्रोह की, तो हमें समझ में आ गया कि तमाम हैवानात में यही खसूसियत होगी, तो हमें तमाम हैवानात की मालूमात मिल जाती है। हैवानात के इर्तका से मुतालिक हमें आगाही होती है कि हैवानात का इर्तका किस तरह हुआ होगा। हैवानात की शनाख्त में आसानी होती है और गलती का इम्कान नहीं होता है। देखिए, जब इस तरह से जब हम बच्चों, खासकर अब हमें तो शनाख्त करना, हम बड़े हो गए तो हमें तो पता है हैवानात की शनाख्त किस तरह से की जाएगी, लेकिन जब हम इस तरह से ग्रोह बना लेते हैं कि ये उड़ने वाले जानदार हैं, ये रेंगने वाले जानदार हैं, चलने वाले जानदार हैं, तो इस तरह से शनाख्त करने में आसानी होती है और गलती का इम्कान नहीं होता है। दूसरे जानदारों के साथ हैवानात के रिश्ते को समझने में हमें मदद मिलती है। हर हैवान का मस्कन कुदरत में उसका हतमा मकाम समझने में मदद मिलती है। देखिए, हर हैवानात का मस्कन अलहदा होता है। कुदरत में उसका मकाम क्या है? अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, कोई भी जानवर, हत्ता कि एक छोटी सी चूंटी या एक छोटा सा बैक्टीरिया जो हमें अपनी नॉर्मल आँखों से हम देख नहीं सकते, बेजा नहीं बनाया है। हर जानवर का कुदरत में एक मकाम है और उसका एक अहम किरदार है कुदरत में। तो क्या अहम किरदार है उसका और क्या मकाम है, ये समझने में हमें आसानी होती है। हैवानात में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के तवाफुक की मालूमात हमें मिलती है। हैवानात की जमात बंदी का रिवायती तरीका, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे पहले रिवायती तरीका और बाद में हम इसके बाद मालूमात हासिल करेंगे जदीद तरीके के बारे में। तो रिवायती तरीका कौन सा है, चलिए देखते हैं। रिवायती तरीके के मुताबिक हैवानात के जिस्म को सहारा देने के लिए फिक्री सुतून की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बिना पर
आलम में हैवानात के दो ग्रोह बनाए गए, एक गैर हिबली और एक हिबली, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। फिक्री सुत्तून यानी नोटोकॉर्ड जिसे कहते हैं, तो इसकी मौजूदगी की बिना पर दो बनाए गए, एक हो गया नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स जिसे कहते हैं। तो आज जो है हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये रिवायती तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका था ये जमात बंदी का। सबसे पहले समझते हैं फिक्री सुतून या नोटोकॉर्ड क्या है जिसकी बिना पर जमातबंदी की गई है। नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो हमारे जिस्म को सहारा देने का काम करते हैं। अकार्टिलेजिनियस स्केलेटल रॉड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम अडल्ट कॉर्डेट एनिमल्स। तमाम कॉर्डेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें, हिबलिये जो होते हैं उनमें ये मौजूद होती है नोटोकॉर्ड या फिक्री सुतून मौजूद होते हैं और ये जिस्म को सहारा देने का काम करते हैं। देखिए ये तस्वीर में यहाँ पे आपको बताया गया है, हमारे पीछे की जानिब जो हड्डियाँ मौजूद होती है, वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, उसके बीच में जो डिस्क होती है वो नोटोकॉर्ड्स होते हैं और ये नोटोकॉर्ड्स हमारे जिस्म को सहारा देने का काम करते हैं। नॉन कॉर्डेट्स सबसे पहले देखते हैं, जिनमें ये फिक्री सुतून मौजूद नहीं होता, जिसमें हिबल पुश या नोटोकॉर्ड का सहारा नहीं होता है, हलक में गलफड़े नहीं होते हैं, अस्पी डोर या नर्व कॉर्ड मौजूद हो तो जोड़े की शक्ल में होती है, ठोस यानी सॉलिड और जिस्म की बतनी जानेब वेंट्रल साइड होती है, अगर दिल मौजूद होता है तो जिस्म की जौहरी जानेब होता है। बटरफ्लाई, पता है आपको जो बटरफ्लाई उड़ती हुई नज़र आ रही है हर स्लाइड पे, तो ये बटरफ्लाई भी नॉन कॉर्डेट्स में शुमार होती है। इसके अलावा ऑक्टोपस, ओलीमैक्स, ये तमाम भी जो है इनका शुमार नॉन कॉर्डेट्स में होता है। इनके जिस्म में फिक्री सुतून मौजूद नहीं होते। गैर हिबलिये हैवानात 10 ग्रो या फाइलम में तकसीम किए गए हैं और कौन कौन से हैं, वो है प्रोटोजोआ, मसामदार जिस्म वाले, पेरीफेरा स्तवाना जिस्म वाले, सिंड्रिया चपटे दूधे वाले, गोल दूधे वाले, हल्केदार दूधे वाले, जोरदार पैरों वाले, एर्थोपोडा नरम जिस्म वाले, शोकादार जिस्म वाले और नीम नखाइए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर नॉन कॉर्डेटा की बहुत सारी एग्जांपल बताई गई है। ऊपर जो है फाइलम पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आप देख सकते हो, शोकादार जिस्म वाले में स्टारफिश बताई गई है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नॉन कॉर्डेटा बताए गए हैं गैर हिबलिये, जिनमें फिक्री सुतून मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है, बटरफ्लाई का शुमार भी नॉन कॉर्डेटा में होता है। तो इसको कितने 10 ग्रो फाइलम में तकसीम किया गया है, तकरीबन 10 फाइलम में इसको तकसीम किया गया है। इसके बारे में हम ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल करेंगे यहाँ इस सबक में, इतना समझना ही ज़रूरी है कि 10 फाइलम्स में इसको तकसीम किया गया है। उसके बाद देखते हैं कॉर्डेट्स या हिबलिये के बारे में। हिबलिये जो हैवानात हैं इनकी खसूसियत दी गई है, क्या खसूसियत है, जिस्म में फिक्री सुतून मौजूद होता है, ठीक है। अस्बी डोर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े या फेफड़े होते हैं, अस्बी डोर जो होती है वो जिस्म की जौहरी जानिब होती है, दिल जिस्म के बतनी जानिब होता है, अस्बी डोर जिस्म में पीछे की जानिब होगी, दिल आगे की जानिब होगा और इनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, अस्बी डोर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये सबसे अहम खसूसियत क्या है कि इसमें फिक्री सुतून मौजूद होगा, इनमें गलफड़े मौजूद होते हैं, ये दो अहम खसूसियत है। हिबल पुश जिस्म को सहारा देने वाली लंबी डोरी जैसी साख्त है जो जिस्म की
जोहरी जानिब होती है। हिब्ल पुश्त क्या होती है? ये जो होते हैं ये जिस्म को सहारा देने के लिए मौजूद होते हैं और लंबी डोरी जैसी साख्त होती है और ये हमारे जिस्म में पीछे की जानिब होती है। अब यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा की कुछ एग्जांपल्स बताई गई है। हमारा इंसानों का शुमार भी फाइलम कॉर्डेटा में होता है, हमारे अंदर भी पीछे अजबी डोरी मौजूद है ना। और इसके अलावा शेर, हाथी, उड़ने वाले जानदार, पानी में रहने वाले मछलियाँ, मेंढक और गिलहरी, डायनासोर्स, बंदर, ये तमाम का शुमार भी फाइलम कॉर्डेटा में होता है। सांप का शुमार भी फाइलम कॉर्डेटा में ही होगा। तमाम हिबलिया हैवानात का एक ग्रोह में शामिल किया गया है और इस ग्रोह का नाम जो है हिबलिया रखा गया है, या कॉर्डेटा या कॉर्डेक्स जिसे कहते हैं। ग्रोह हिबलिया की तीन किस्में जो है ज़ेली ग्रोह बनाए गए हैं। एक है यूरोकॉर्डेटा और एक है सेफलोकॉर्डेटा और एक है वर्टिब्रेटा, इनमें जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ज़ेली ग्रोह रीढ़दाड़ को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है गोल मुंह वाले, साइक्लोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है मछली, तीसरा है जल थलिए, उसके बाद है चौथा रेंगने वाले रेप्टाइल्स, फिर है परिंदे बर्ड्स और फिर है पिस्तानीय मैमल्स, मैमल्स जिनमें पिस्तानीय मौजूद होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पिस्तान मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये फिर मज़ीद इनमें तकसीम किया गया है। इंसान का शुमार पिस्तानीय में होता है, समझ में आया आप लोगों को? तो जितने भी हम अपने अतराफ में जानवर ज़्यादातर देखते हैं वो तमाम कॉर्डेटा हैं, कॉर्डेट्स हैं। तो एनिमल किंगडम नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हो पेरिफेरा की एग्जांपल दी गई है, तो एर्थोपोडा की एग्जांपल दी गई है, एनेलिडिया की एग्जांपल दी गई है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके अलावा कॉर्डेट को अहम किस्म जो है वो है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को भी और किस्म में तकसीम किया गया है, एम्फीबिया और फिर फिशेस, पाइक्सेस, फिर एव्स यानी उड़ने वाले रेप्टाइल्स और मैमल्स। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो आलम हैवानात, ज़ेली आलम, गैर हिबलिए। गैर हिबलिए की मज़ीद और जमात कौन सी बनाई गई? इब्तदाई हैवानात, इस्तवाना नुमा जिस्मों वाले, गोल दूधे वाले, जोरदार पैर वाले, शोखादार जिस्म वाले, मसामदार जिस्म वाले, चपटे दूधे वाले, हल्कादार दूधे वाले, नर्म जिस्म वाले और नीम नखाइए। जबकि ज़ेली आलम हिबलिए यानी कॉर्डेटा को बनाया गया है, ज़ेली आयला हिबलिए, उसमें यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और फिक्रिय यानी वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को मज़ीद और 6 जमातों में तकसीम किया गया है, गोल मुंह वाले, मछलियाँ, जलथलिए, रेंगने वाले परिंदे और पिस्तानिये या मैमल्स जिसमें इंसानों यानी हमारा भी शुमार होता है। तो ये हमने देखे हैवानात की जमात बंदी का रिवायती तरीका, ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, तो सबक हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नया तरीका या जदीद तरीका क्या है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आप लोगों से एक नए टॉपिक में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ लाइक करने के बाद हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन, बेल के आइकन पे क्लिक करना है ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे नए नए वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे नए वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते आप लोगों से एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए।
तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।